देखिए भी बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात अब सबको समझ आ गई कि ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। और देखो बेटा, इसके अलावा हमारे पास क्या फार्मूले हैं देखिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बताया, डाल दी इसको घनी साइड डाल दिए। हाँ भाई, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू वन माइनस एक्स। बोलिए किसी को डाउट हो तो। और देखो बेटा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस वाई स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस वाई। याद करना चाहोगे तो फार्मूले याद हो जाएंगे। देखिए साइन में यहाँ प्लस है तो प्लस है, और साइन में देखो जब भी याद हो आपको अल्टरनेटिव होता था, साइन ए कोस बी कोस ए साइन ए, तो यहाँ अल्टरनेटिव है एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। कोस में देखिए एक्स वाई माइनस अंडर रूट वाई दोनों पीछे है, एक्स वाई माइनस अंडर रूट वाई दोनों पीछे है, यहाँ प्लस में माइनस है और माइनस में प्लस है। याद रखने पड़ेंगे फार्मूले, टेन का भी फार्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। और अगर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लेना हो तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई। इन फार्मूलों के कई बार प्रूफ एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार इन फार्मूलों के प्रूफ एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैं सभी के तो नहीं करा पाऊंगा लेकिन कुछ के मैं कराऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चलो आप ये फार्मूले नोट कर लें, हाँ फोटो ले लें फिर मैं पूरा लूंगा। मैं एक साइन का करा देता हूँ, ठीक है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, आप खुद ये कहेंगे सर इतना आसान फार्मूले का प्रूफ है, करा इसलिए रहा हूं कि बीच में कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। हो गया, अब देख सर, देखो भाई ये सब है भाई, ये
शुभम कॉमर्स से सालू और अमित के अलावा कौन है? अब वो भी नहीं आज। देखो बेटा और देखिए, जैसे आपका पहला ही प्रूफ था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ करना हो तो मान लेते हैं ये आपका साइन इनवर्स एक्स है, उसको एक को ए ले लो और दूसरा साइन इनवर्स वाई है दूसरे को बी ले लो। इनवर्स फंक्शन को आपको ए भी लेना है, बीटा लेना है, कुछ भी ले। अब ये साइन इसका साथ छोड़कर जब इधर आएगा तो ये साइन ए इक्वल टू एक्स आ जाएगा और ये साइन बी इक्वल टू वाई आ जाएगा। साइन ए इक्वल टू एक्स और साइन बी इक्वल टू वाई। अब आप ऐसा करिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला ले लो। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी हो गया यार। अब बेटा एक बात बताइए मुझे, आपके पास साइन ए की वैल्यू पता है साइन बी की पता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कोस को कन्वर्ट करेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट। कोस को करेंगे साइन बी को आगे लिख लो, कोस ए को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट। अब वैल्यू रख दो बेटा, आपके पास जो है साइन ए की जगह आपका एक्स है, साइन बी की जगह वाई है, अब ये वाला साइन यहां का साथ छोड़कर इधर आ जाएगा, ए आपका साइन इनवर्स एक्स था, बी साइन इनवर्स वाई हो गया और ये आ गया साइन इनवर्स x इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू वन माइनस। बताओ भाई इसके सेकंड पार्ट का प्रूफ भी हो जाएगा या कराना पड़ेगा? लक्ष्य शर्मा समझ आ गया? कहीं डाउट हो तो पूछो बेटा। हाँ भाई बताइए, क्लियर है? देखो टेन वाले का प्रूफ भी करा देता हूँ, फोर्स का तुम खुद करना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। ज्यादा नहीं, एक एक प्रूफ करके देख लेना तीनों में। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स को तो आपने ए ले लेना है और टेन इनवर्स वाई को आपने बी ले लेना है। टेन इनवर्स एक्स को ए ले लेना है, टेन इनवर्स वाई को आपने बी ले लेना है। तो बेटा अब टेन ए वही आ जाएगा एक्स इक्वल टू तो टेन ए और y इज इक्वल टू टेन बी। तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला टेन ए प्लस टेन बी
वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए का मतलब आपका एक्स, टेन बी का मतलब वाई। अब ये ए प्लस बी आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। अब ए आपका टेन इनवर्स एक्स है, बी टेन इनवर्स वाई है और ये इक्वल टू आ गया आपका डी। मेरे ख्याल से तो सभी को समझ आ गया। प्रवेश अच्छी तरह समझ आ रहा है बेटा? साथ साथ करती रहे है ही नहीं कि अर्षिता ना निकिता, अर्षिता अर्षिता निकिता प्रीति प्रियंका प्रीति हाँ प्रियंका भी है ठीक है बेटा। बेटा ये स्कूल खुल गया तब भी तुम्हारी जो इन बच्चों के साथ क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी भाई। स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाए, स्कूल में जो माहौल होता है, जो सरकार फैसला लेगी उसके अनुसार स्कूल में भी पढ़ाई जाएगी तो भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। आपके पास आईडी होगी ज्वाइन कर सकते और देखते हैं जैसा भी शेड्यूल होगा। अगर मान लेते हैं इनको ऑफलाइन भी पढ़ाना शुरू करेंगे तो भी मोबाइल लगा देंगे, क्या दिक्कत है? ये पढ़ते रहेंगे तुम्हारे तक भी नेटवर्क पहुंच जाएगा। बुराई क्या लगती है बेटा? हो गया क्या लगता है? कोई बात नहीं ठीक है भाई, फोटो खींच लो। आप पहली एक्सरसाइज में बताओ मुझे कोई क्वेश्चन तुम्हें करवाने के लायक है तो मैं कराऊं, और तुम ये कहो कि हम कर चुके मधुर पहले। मधुर बता दे हम क्यों हो गए तेरे सारे बेटा। वेरी गुड मधुर। बताना है कोई क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में किसी बच्चे को पूछना हो? आगे चलूं सेकंड में? तो पहली में सारा सिंपल है, दो ही कंसेप्ट है पहली में। तो चलिए दूसरी एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। मैं बता रहा जो ये लोग बाद में आए इनका भी दो दो बार सिलेक्ट करवा दी। बस थोड़ा सा तुम लोगों से ये है कि रेफरेंस बुक करो ठीक है, असाइनमेंट भी मैं सेंड करूंगा। आओ भाई एक्सरसाइज 2.2 में ये है थ्री साइन इनवर्स एक्स, थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। देखिए बेटा कैसे करेंगे, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। एक तो हमेशा बड़े वाले साइड को पकड़ते हैं, दूसरा जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हो तो x की जगह आपको साइन cos ऐसा पुट करना है कि जिससे कि यहां साइन का फार्मूला बन जाए। आप इसको RHS ले लो, RHS है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ ठीक है। और आपने x को साइन cos tan ऐसा पुट करना है कि जिससे कि ये साइन का फार्मूला बन जाए। तो आप साइन रखो सबसे पहले x की जगह साइन थीटा रखोगे उसका, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये आपका आ जाएगा
साइन थ्री थीटा का फार्मूला, ये साइन थ्री थीटा का फार्मूला है। हाँ भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले हालांकि ग्रुप में भेज चुका हूँ, लेकिन एक बार मुझे याद दिला देना शाम को, एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों की पिक्चर और ग्रुप में सेंड कर दूंगा। देखिए बेटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, ये बच गया थ्री थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से ये साइन इधर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अरे प्रवेश नहीं है क्या, जिसकी आवाज नहीं आ रही? प्रवेश गवीश, प्रवेश नहीं है, देखा आज आवाज नहीं आ रही आज इसकी। ये पहला क्वेश्चन था बेटा आपका, सेकंड आप अपने आप करेंगे, कोर्स रख लेंगे, कोर्स का फार्मूला बन रहा है, नहीं आए तो कल मेरे से आप पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2। सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दो बेटा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स, एलएचएस ले लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये आ जाएगा बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आपका टेन इनवर्स 1/2 आ गया। भाई रोहित, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हारी क्लास का कौन बंदा नहीं है? और बाकी मनीष, अच्छा मनीष लगाता है क्लास, पहले शुरू में नहीं लगाता था। एक भैया, ये चीज जो है ना, हर संडे सैटरडे होती है, कुछ भी नंबर आए इसका वो लिंक भेजते ही 2 ही मिनट लगते हैं, इसको कर दिया करो सारे के सारे के साथ, नहीं तो हम लोगों को ना बड़े अफसरों की सुननी पड़ती। 1-1.5 मिनट का तो काम ही है, जल्दी से कुछ नंबर आए परेशान मत हो, कोई नंबरों से दुखी मत पाओ, लेकिन क्विज नहीं दोगे तो हमारे लिए जवाबदेही बनती। जैसे टेन का ये है 2 tan inverse x, 2 tan inverse x, यानी कि अगर आगे 2 है तो आगे से कैसे गायब करेंगे, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 minus x square। अब तुम ये कहोगे सर आपको ये याद कैसे रहते हैं? मैं जब भी 2 का फार्मूला है तो देखिए मेरे पास टेन टू थीटा का फार्मूला है दिमाग में। टेन टू थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 minus tan square थीटा। बेटा मैं इससे बना रहा हूं इस फार्मूले को, कैसे बनाता हूं? 2 tan inverse x का मतलब ये टेन टू थीटा के फार्मूले से बना है, तो टेन इनवर्स क्योंकि टेन इनवर्स का फार्मूला है 2 tan थीटा 1 minus tan square थीटा, मतलब एक्स का मतलब मैं टेन थीटा अपने दिमाग में रख के चलता हूं कि एक्स मतलब टेन थीटा। अब देखो ऐसे ही मैं 2 sin inverse x बनाऊंगा, 2 sin inverse x, आप साइन टू थीटा का फार्मूला बताओ क्या होता है आपका, ये होता है 2 sin थीटा और कोस थीटा, क्योंकि तो आपके पास साइन थीटा है और साइन का इस्तेमाल करें तो कोस को आप साइन बदल देंगे,
कोस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। अब बढ़ाओ इससे फार्मूला, 2 साइन इनवर्स एक्स, पहले तो साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स का एक मिनट, 2x साइन थीटा वाला x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ किसी को इस मेरी बात से नाराजगी है? बनाना आसान है कि नहीं है बताओ? अंशु बनाना समझ आया कि नहीं? बनाना समझो, बाकी चीज तो इजी है। अब देखिए, टू कोस इनवर्स एक्स का बनाऊंगे, टू कोस इनवर्स एक्स का कैसे बनाएंगे बेटा? देखिए, कोस टू थीटा का फार्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और कोस की फॉर्म में, तो ये होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो देखिए कैसे बनाऊंगा मैं, कोस इनवर्स 2 cos थीटा की जगह x। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरा कसूर नहीं है, मैंने आप लोगों को फार्मूला याद करने का तरीका बता दिया। बस समझ जाएगी, ठीक है भाई? तो सभी को ये बात समझ आ गई, और जब सबको समझ आ गई तो हम फोर्थ क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी तुम्हारा। देखो पेपर सभी के चल रहे हैं या बाद में अक्टूबर में होंगे? कितने दिन होंगे? बोलिए, 2-3 दिन का रह रहे। तुम्हारी ये जो क्विज हो रही है, पेपर है, इन्हीं के नंबर जुड़ेंगे। अब तुमने एक बात है, पेपर दे रखा होगा तो हम कह देंगे जी ठीक है दे दिया, नंबर वंबर ना कोई देखे इनका,